शर्जिल इमाम एक बार फिर से चर्चा में है। जामिया हिंसा मामले में निचली अदालत ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट से इनमें से 9 लोगों को बड़ा झटका लगा है। शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आईपीसी 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी 2 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में साफ है कि शर्जिल समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो ना केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में जामिया में पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी।